नमस्कार। इलेक्ट्रिक केटल की गणना आजकल एक आवश्यक किचन अप्लायंस में होने लगी है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी आवश्यक है। आज अपने पैसे वसूल चैनल पर इसी के बारे में जान लेते हैं। उदाहरण के लिए हमने ओरिवा 2 लीटर की इलेक्ट्रिक केटल ली है। वैसे कई अच्छे ब्रांड और साइजेस में ये इलेक्ट्रिक केटल ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्ध है, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे है। बॉक्स में हमें इलेक्ट्रिक वायर के साथ जुड़ा हुआ बेस मिलता है और ये है हमारी केटल। साथ में इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी होता है, जिसे केटल इस्तेमाल करने से पहले पढ़ना जरूरी है। मार्केट में उपलब्ध ज़्यादातर ब्रांड की केटल्स इसी आकार प्रकार की है। ये 2 लीटर की है। आधा, 1 और 1.5 लीटर साइज भी कई ब्रांड्स में उपलब्ध है। मजबूत हैंडल के साथ आने वाली ये स्टेनलेस स्टील केटल है। अच्छी ग्रिप के साथ आने वाला स्टर्डी हैंडल है। मिरर फिनिश स्टेनलेस स्टील बॉडी है। इस स्टील बॉडी से फिक्स किए हुए इस बेस में इलेक्ट्रिक कॉइल होती है, जो इस केटल को गर्म करने वाली है। केटल से जुड़ा हुआ इसका ढक्कन है। स्टील की क्वालिटी अंदर से भी सही है। इसकी कैपेसिटी 2 लीटर की है, पर एक्चुअल हम 1800 ml तक ही पानी इसमें भर सकते हैं। ज़्यादा रखें तो उबल कर बाहर गिरेगा। फ्लिप टाइप इसका ढक्कन सॉफ्ट है इस्तेमाल में। ओपन क्लोज में कुछ झंझट नहीं होती। इसके हैंडल पर ऑन ऑफ स्विच दिया है। बेस पर लाइट इंडिकेटर है। बहुत से ब्रांड की इलेक्ट्रिक केटल सेम टू सेम इसी डिज़ाइन में है, जैसे कि प्रेस्टीज, पिजन, बटरफ्लाई वगैरह। इस बेस से इलेक्ट्रिक सप्लाई केटल को प्राप्त होगा। इससे एक 3 पिन वाली पावर कॉर्ड अटैच है। इसकी लंबाई 1 मीटर है। इस बेस पर किसी भी दिशा में हम केटल रख सकते हैं, तो लेफ्टी और राइटी किसी भी व्यक्ति को इस केटल का इस्तेमाल आसान होता है। नॉन मेटेलिक और प्लेन सरफेस पर इस इलेक्ट्रिक केटल को उपयोग में लेना चाहिए। इलेक्ट्रिक बोर्ड में इसके लिए स्वतंत्र सॉकेट हो तो ज़्यादा सुरक्षित होगा। योग्य मात्रा में पानी भर के केटल इसके बेस पर रख दें। बेस की पिन सॉकेट में लगाकर ऑन करें। केटल के हैंडल पर होने वाला स्विच ऑन करें। इंडिकेटर लाइट भी ऑन हुई है। इसमें अब पानी गर्म होना शुरू हुआ है। इसका ढक्कन बंद ही रखना है। चालू कंडीशन में ना इसका ढक्कन खोलना है और ना ही इसे टच करना है। गर्म भाप चेहरे पर आएगी। केटल बाहर से भी गर्म होती है, तो टच करने पर उंगलियों को हानि पहुंचती है। सभी इलेक्ट्रिक केटल सिर्फ पानी गर्म करने के लिए ही होती हैं। इसमें चाय, कॉफ़ी, दूध, मैगी और अंडे उबालना केटल की लाइफ कम करता है या डेड होती है। ज़्यादातर केटल 1500 वाट की है, तो गैस से आधे टाइम में इसमें पानी उबलने लगता है। दूध, चाय, कॉफ़ी फास्ट उबल कर बाहर गिरेंगे। मैगी करेंगे तो इसे साफ करने में आसानी है। केटल को पानी से तो धो नहीं सकते, क्योंकि केटल के बेस में पानी गया तो वो काम नहीं करेगी। गलती से थोड़ा भी पानी गया तो हेयर ड्रायर का उपयोग करें। केटल साफ करने के लिए विनेगर या बेकिंग सोडा गीले कपड़े के साथ उपयोग में लें। गीले कपड़े से अंदर बाहर केटल पोंछ लें। 2 से 3 मिनट में इसमें पानी उबलने लगता है। इसे ऑटोमेटिक कट ऑफ सिस्टम है। पानी उबलने पर इसके हैंडल का स्विच ऑफ हो जाता है। इंडिकेटर बंद होने के बाद ही मेन स्विच बंद करके केटल बेस से उठा लें। जब हम पहली बार केटल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब इसी तरह मैक्सिमम लेवल तक पानी इसमें उबाल कर फेंक दें। यही क्रिया 2-3 बार करें, यानी केटल बनाते समय जो केमिकल इससे चिपके होते हैं वो निकल जाए। बहुत से ब्रांडेड कंपनी की केटल इसी प्रकार की होती है। सभी ब्रांडेड केटल 1 साल वारंटी के साथ आती है, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे है। इलेक्ट्रिक केटल की एवरेज लाइफ 4 साल की है, पर संभाल कर यूज करें तो और बढ़ सकती है। वारंटी के बाद खराब होने पर रिपेयर करने के बजाय नई केटल लेना ही ज़्यादा फायदा देता है। रिपेयर के बाद भी ये ज़्यादा दिन नहीं चलती। नई केटल 500 से 1000 रुपये तक मिलती है। जिस ब्रांड पर आपको भरोसा हो, जिसकी वारंटी और सर्विस अच्छी हो, वो आप चॉइस कर सकते हो। और अभी तक आपने वीडियो देखी है
आपको भरोसा है कि ऐसी अच्छी काम की जानकारी यहाँ मिलेगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने पैसे वसूल चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जय हिंद।